सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छाया मिश्रा की रसोई में तो आज की रेसिपी क्या है आप देखिएगा और अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो तो ये देखिए गाइस ये जो हमारा आज का नाश्ता है इसकी हम सच्चाई बताएंगे हकीकत बनाए बताएंगे कि आपको ये कैसे बनाना है क्या करना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर ने बनाया है बताया है नाश्ता तो बहुत अच्छा है मगर बनाने में कहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्या प्रॉब्लम आती है ये हम बताएंगे आपको आज तो वो हमारी फुल वीडियो देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कत देखना कि क्या समस्या आती है इसमें बनाने में और क्यों ये अच्छा नहीं है या अच्छा है तो ये चलिए हम बनाते हैं तो देखिए हम ले लेंगे एक ग्लास पानी स्टेनर रख लेंगे देखिए इसके लिए हमें इस रेसिपी के लिए हमें आलू ड्राई चाहिए ठीक है तो लास्ट में हम बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत आएगी ठीक है पूरी ट्रिक एंड ट्रिक बताएंगे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर ने बताया है जो जिनको हम अपना गुरु मानते हैं उन्होंने भी ये बताया है मगर ये चीज़ नहीं बताई है उन्होंने भी जो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में तो देख सकते हैं इस तरह से पहले तो हम इसे बॉयल करेंगे क्योंकि हमें पानी कम चाहिए इसके लिए तो ये देख सकते हैं इस तरह से फैला कर बॉयल कर लेंगे अपने आलुओं को तो ये देखते हैं अब ले लेंगे एक बाउल आटा ठीक है प्योर आटे से बना सकते हैं और आप मैदा भी मिक्स कर सकते हैं हमने आटा लिया है प्योर तो ये देख सकते हैं हम डाल देंगे अजवाइन एक स्पून के करीब या इस समय गर्मी है तो आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं नमक डाल देंगे और मोयन डाल देंगे अब इसमें मोयन के लिए हम लगा लेंगे रिफाइंड ऑयल ठीक है मोयन डाल देंगे अब इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसके रेसे रेसे में मोयन जाए यानी आटा जाए अच्छे से आटा हमारा ऑयल हो जाए आटे में ये देख सकते हैं तो कुछ नहीं करना है बस इस तरह से अच्छे से लगाना है तो देखिए मोहन अच्छे से लग गया है हल्के हाथों से मुट्ठी बांधे तो आपका आटा बंधना चाहिए इस तरह से देखिए बस मोहन हमारा परफेक्ट है तो आप क्या करेंगे पानी डालते हुए हम डो लगा लेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा लूज डो भी नहीं लगाएंगे जैसे हम चपातियों से थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे और पूड़ियों से थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे तो देखिए डो लग चुका है हमारा अच्छे से अब इस पर ऑयल लगा करके रख देंगे सेट होने के लिए जब तक हम आलू हमारा बॉयल होगा और स्टफिंग बनाएंगे तब तक रख देंगे यानी पंद्रह मिनट के लिए रख देंगे करीब तो ये देख सकते हैं आलू हमारा बॉयल हो चुका है अच्छे से देखिए अभी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है मतलब थोड़ा सा कमी है इसमें बॉयल होने में इसको अच्छे से बॉयल कर लें क्योंकि तो देखिए हमने पानी में डालकर नहीं बॉयल किया तो इसमें पानी तो नहीं ज़्यादा जाएगा ये देखिए आलू हमारा बॉयल हो चुका है अब देखिए अच्छे से क्रैक्स दिखने लगे थे आलू में तो बस इस तरह से हमने बॉयल कर लिया है और अब हम क्या करेंगे इसको मैश करेंगे ठीक है ये देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से मैश करेंगे अच्छे से तो ये देखिए अच्छे से मैश कर लेना है और फिर क्या करना है इसको बिल्कुल लंग्स फ्री बैटर बना मतलब लंग्स फ्री बनाना है बिल्कुल आप अगर बॉयल करते हैं आलूओं को तो उनको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें उसके बाद में आप ग्रेट भी कर सकते हैं जैसे ग्रेट करने से गांठे ना रहे मतलब इसमें बैटर में ये है कि गांठे नहीं रहनी चाहिए लंग्स नहीं रहने चाहिए बाद बाकी आप किसी से भी मैस कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से आप देखिए बेसिक बेसिक से मसाले ऐड करेंगे इसमें ये देखिए मिर्च पाउडर ठीक है अब इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला गरम मसाला हल्दी पाउडर कलर के लिए और ये डाल दिया गरम मसाला अब अमचूर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं बेसन डाल देंगे थोड़ा सा एक देखिए अगर आपके आलू में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो आप बेसन कम लगेगा आप कॉर्न फ्लोर बेस मैदा आर आ रूट कुछ भी डाल सकते हैं थोड़ा सा देखिए डो को ले लेंगे इस तरह से फिर से मसल लेंगे और देखिए मगरेल सीट यानी कलौची डालना भूल गए थे अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें कोई प्रॉब्लम नहीं मगर दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है इसलिए डाल दिया ऊपर से और ये दो भागों में बर्ब कर लिया है अब इसकी हम बनाएंगे पूड़िया तो देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे पूड़ियों को अच्छे से ये देखिए तो अभी देखिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लास्ट तक देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्नैक्स हम बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं भाई ये न स्नैक बनता बहुत अच्छा है ये तो पक्का है आप चाय के साथ खाएंगे तो ये बहुत अच्छा स्नैक है पेट भी भरेगा और नुकसान भी नहीं करेगा आपका तो ये देखिए इस तरह से आप बना करके पूड़ी खूब अच्छे से बड़ी सी पूड़ी बना लेंगे ये देखिए ये देखिए भाई इस तरह से देख सकते हैं और दूसरी पूड़ी भी बना ली है तो ये देखिए दोनों पूड़ियां बना ली हैं और आप क्या करेंगे जो हमने बना के रखा था फिलिंग उसको हम इस तरह से इसमें अपनी चपातियों पर फैला लेंगे ये देखिए इस तरह से तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से पूरा फैला लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर से हम दूसरी चपाती जो बना करके रखे हैं उसको हम क्या करेंगे इसी के ऊपर फैला देंगे ये देखिए इस तरह से ये देखिए अच्छे से अब हम क्या करेंगे इसको हम बेलन से रोल कर लेंगे ये देखिए इस तरह से रोल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और हमें बनाने में दिक्कत ना रहे ठीक है इस तरह से अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो हमने किचन काउंटर पर ही रख लिया है क्योंकि हमारे उस, उस पर नहीं आ रहा था तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे बेल लिया है अब नाइफ से कट करेंगे डिजाइन देने के लिए ये देखिए गाइस इस तरह से चौकोर पीसेस करने हैं लास्ट में देखते रहेगा इन्हें भी फ्राई जो किनारे के जो पीसेस हैं वो हम नहीं यूज करेंगे डिजाइन के लिए देखिए इस तरह से हम चौकोर पीस कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए बड़े छोटे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे आप चाहें वैसे बड़े पीसेस कर सकती हैं ये देखिए इस तरह से तो अब हम क्या करेंगे इसी तरह से सारे के सारे कट कर लेंगे ये देख सकते हैं गाइस ये देखिए अब हम क्या करेंगे जो ये साइड के जो किनारे हम निकाल रहे हैं इनको भी फेंकेंगे फ्राई कर लेंगे तो ये खाने में यूज होंगे अब अब देखिए हमें डिजाइन बनाना तो एक कोना पकड़कर दूसरे कोने से इस तरह से फोल्ड कर देना है ये देखिए इस तरह से तो ये अच्छे से डिजाइन बन जाएगी इसे संघ कह सकते हैं संघ के आकार का बनता है तो ये देखिए इस तरह से हम सारे बना करके रख लेंगे ये देखिए इस तरह से सारे बना करके रख लेंगे हम ये देखिए तो अब हम क्या करेंगे इसी तरह से सारे बनाएंगे और बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे तो ये देख सकते हैं तो इस तरह से सारी डिजाइंस बना लेंगे तो देखिए जो बन गई हैं उनको हम फ्राई करके दिखाते हैं आपको तो इस तरह से इस कढ़ाई में हम डालेंगे और फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस इसमें क्या है अभी ऑयल देखिएगा कितना सारा आलू का बैटर बाहर निकल रहा है जो साइड साइड से है वो आलू का बैटर निकल रहा है बाहर क्यों निकल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पर इसी तरह से तो देखिए पहले तो हमने सोचा था कि हमारी कढ़ाई की वजह से निकल रहा है कि कढ़ाई में ऑयल की कमी है इस वजह से तो देखिए हल्का सा चलाया है और हम क्या करेंगे कर लेंगे तो देखिए हमको थोड़ा सा लग रहा था कि ऑयल की कमी है इस वजह से हमने क्या किया कढ़ाई चेंज कर लेनी है ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं है। तो प्रॉब्लम बस यहीं से होगी तो बड़े मतलब जो बड़े क्रिएटर हैं जिन्होंने बताया है वो हमारे गुरु भी हैं ठीक है तो हम उनको बुरा नहीं कहेंगे मगर ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको आलू कौन सा लेना है तो इसमें अब हम ये बताएंगे कि आपको आलू कौन सा लेना है तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम निकाल लेंगे अब देखिए गाइज आलू क्यों ये वो देखिए आलू कई प्रकार के आते हैं कई वेरायटी आती है आलू की तो आलू हमको लेना है गाइस जो वाइट वाला पहाड़ी आलू आता है वो नहीं लेना है जो बॉयल करने पर क्रैक हो जाता है आलू ठीक है अगर आप आलू, आलू को बॉयल करें और वो क्रैक हो जाए तो वो आलू नहीं लेना है क्योंकि उस आलू से अगर उस आलू से ये नाश्ता बनाएंगे ना तो ये नाश्ता बेकार हो जाएगा आपका बनेगा नहीं क्योंकि आलू सारा फिलिंग निकाल देगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर वैसे भी कम होता है ठीक है वो अजीब सा होता है आलू और आप अगर लाल आलू लेते हैं ठीक एक, एक एक आलू आता है रेड आलू ठीक है उसमें मॉइस्चर मौ, प्रॉपर होता है और वो जहाँ पर होता है वहाँ पकड़ लेता है उस चीज़ को तो लाल आलू या फिर पीला आलू लेना है वो आपका इस रेसिपी के लिए अच्छा रहेगा देखिए ये हमने ले लिया था पहाड़ी आलू उसको पहाड़ी आलू भी बोलते हैं तो पहाड़ी आलू ले लिया था तो ये देखिए उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो ये देखिए सारा का सारा हमारी कढ़ाई में निकल गया है पहले तो हमने सोचा कि कढ़ाई चेंज कर देते हैं शायद कढ़ाई की वजह से गड़बड़ हो गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है तो बड़े क्रिएटर ने ये नहीं बताया था कि आलू आपको कौन सा लेना है लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको आज कि आलू लेना है आपको जो वाइट वाला आलू होता है वो नहीं लेना है जिसको पहाड़ी आलू बोलते हैं बाकी आपको येलो आलू आता है एक वो ले लेना है या फिर आप ले लें रेड आलू तो स्नैक्स बहुत अच्छा बनता है बहुत टेस्टी स्नैक्स बना है तो अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो ये देख सकते हैं क्रेसिपी तो बहुत है ये देख सकते हैं और सच में कचौड़ी और समोसे को भी ये नाश्ता फेल करता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ